स्मार्ट एडवाइस। आज जो हम आपको बताएंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो किस तरह हम रिंकल्स से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। मतलब जो रिंकल्स बॉडी पे, स्किन पे, जो फेस में, फेस पे खास तौर से जो पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो जो एज के साथ साथ होते हैं आमतौर पे, जैसा कि 30 या 35 साल से शुरू होते हैं, आमतौर से 30 साल से शुरू होकर 45 साल तक की उम्र तक जो है वो जो लोग हैं उनको झुर्रियाँ जो हैं वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। वो फेस के इधर पड़ती हैं, जो होंठ है उसके पास इधर पड़ जाते हैं, कुछ निशान पड़ जाते हैं, कभी कभी माथे पर इस जो है वो रिंकल्स आ जाते हैं। तो उसके लिए जो है जो मेन रीज़न होता है इसका, वो कोलेजन होता है। कोलेजन की कमी हो जाती है, इसके अलावा विटामिन ए, डी और ई की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो उस पर स्किन पे जो है झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उसको जो है दूर करने के लिए जो है आमतौर पे जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो है दूध, दही, लस्सी और मक्खन है, लेमन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और पोटैटोस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कुछ तो जो है वो आमतौर पर लोग क्रीम्स भी इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो वो स्किन के जो डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो अपना उसका बोटॉक्स इंजेक्शन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो उन झुर्रियों को दबा दें या वक्ती तौर पे। उसमें ये होता है कि फिर एक महीने के बाद वो फिर से लगाने पड़ते हैं, या उसमें एक प्रोसेस होता है कि कभी कभी 2 से 3 महीने बाद भी जो है वो बोटॉक्स के इंजेक्शन फिर उस जगह लगाए जाते हैं, ताकि वो जो झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं वो उसको बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर देता है झुर्रियों को। तो इसके साथ साथ जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दही, मक्खन और लस्सी वगैरह का, दूध का इस्तेमाल किया जाए तो वो स्किन जो है वो ग्लो हो जाती है, ग्लो होती है। और इसके अलावा जो है जो कुछ लोग मसाज वगैरह भी कराते हैं, जो स्किन के मसाज करते हैं, फिर लोशंस वगैरह को मैंने आपको बता दिया है। अब जो है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है जो होममेड रेसिपी जो है, ताकि आप जो रिंकल्स हैं उससे जो है निजात हासिल कर सकें, वो है एलोवेरा। एलोवेरा तो है, अगर आपने कोई उसका पौधा लगाया हुआ है घर में तो वो तो सबसे बेस्ट है। उसका आप एक छोटा सा वो पीस काट लें पौधे में से, फिर उसमें से जो है उसका जो जेल निकलता है एलोवेरा का, वो आप उसको चेहरे पर लगाएं अच्छी तरह से, दोनों तरफ उसको यूं करें, फिर रोटेशन में भी करें उसको आप दोनों साइडों पे, फिर चिन की तरफ लगाएं, इधर सब जगह पर जो है वो अच्छी तरह से उसको मल लें। तो इससे भी जो है वो जो एलोवेरा के इस्तेमाल से वो स्किन के जो रिंकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। अब इसी तरह गुलाब का जो अर्क होता है ना, गुलाब का पानी, गुलाब का अर्क जिसे आप कहेंगे, वो लगाने से भी जो है आप स्किन को ग्लो कर सकते हैं और बहुत ही फ्रेश फील करेंगे आप, खासतौर से गुलाब वगैरह का जो इस तरह का जो अर्क होता है वो लगाने से। अच्छा, टोमेटो का जो पेस्ट है वो चेहरे पर लगा सकते हैं, तो उसका आप जैसे आपने बॉयल कर लिए जो टोमेटोज हैं उसको, और फिर छिलका उतार के उसका पेस्ट बना के और थोड़ी सी उसमें चीनी मिला लें और उसको अच्छी तरह से मैश कर लें, और इसी के साथ साथ फिर आप उसको पेस्ट करें अपने फेस पे, वहीं पूरे उसको करें, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें, और फिर माथे पे लगाएं के वो पूरा उसको पेस्ट करके कुछ देर रखें 15 से 20 मिनट के लिए। तो उसमें जो है फिर वो जो झुर्रियाँ हैं वो इस तरह आपको मतलब करना पड़ेगा, एक ही बार में नहीं हो जाएगा, जैसे कुछ महीने तक आपको करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने तक जो है, 2-2, 3-3 दिन बाद आप करें तो वो उसमें जो है वो रिकवर हो जाएगी, जो झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ग़िज़ा जो मैंने आपको बताई ना, ग़िज़ा में जो दूध, दही, लस्सी और मक्खन और ये वो चीज़ें आपको इस्तेमाल करते रहना पड़ेगी, ताकि अंदरूनी तौर पे भी बॉडी को जो विटामिन्स की ज़रूरत है वो मिलती रहे। तो फिर अब लोग गोलियां भी इस्तेमाल करते हैं विटामिन्स की, जैसे जैसे एजेड होते जाते हैं, 50 से ऊपर जाते हैं, तो वो उसी हिसाब से जो है गोलियां आती हैं वो लेते रहते हैं, टेबलेट्स
तो उस सूरत में भी जो विटामिन्स की है वो कमी पूरी होती रहती है। तो इसके अलावा जो है लेमन जूस जो है वो 1 टीस्पून जो है एक प्याली में आप सिर्फ लेमन जूस डालें और उसमें पानी में मिला के फिर उसको फेस पर लगाएं, तो ये भी एक तरीका है जिससे कि झुर्रियाँ जो हैं वो ख़त्म होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो प्रोटीन्स हैं वो ग़िज़ा में प्रोटीन्स भी अपनी शामिल करें थोड़ी बहुत, जो कि आमतौर पर दालों में भी काफ़ी मिकदार में प्रोटीन्स पाई जाती है, तो वो उससे भी जो है रिंकल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और इन चीज़ों का, और फिर उसके अलावा जो आप पॉल्यूशन से थोड़ा दूर रहें, जैसे जैसे पॉल्यूशन वगैरह से दूर रहेंगे तो वो ये चीज़ें भी इम्पेक्ट करती हैं स्किन पर जो है वो, और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है तो वो उससे थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स रखें, तो उस सूरत में जो है वो ये चीज़ें जो है ना बॉडी पर फिर इम्पेक्ट नहीं करती हैं। तो ये जो कुछ जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं अभी रिंकल्स को रिमूव करने के लिए, जो कि होममेड रेसिपीज होती हैं, आप इसका इस्तेमाल करके बआसानी जो है वो रिंकल से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, इसी के साथ साथ बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जो भी नई वीडियो आती है उसके बारे में जो है फ़ौरन से आपको इतला मिल जाएगी कि नई वीडियो कौन सी आई है। तो फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में इसी तरह की, जो कि हेल्थ टिप्स या होम्योपैथी के बारे में। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।